NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स तो हमने कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम इसी एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट भी लेकर आए हैं ताकि आपकी और भी अच्छे से रिवीजन हो पाए। सो अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन बैंक की वीडियो ऑलरेडी नहीं देखी है तो वो ऊपर जाकर आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं, देन उसके बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करके अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप इसे एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में आप रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस नए चैनल के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मेरा नाम है अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंडशाला। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वीडियो में हम NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं और एक एक करके हम इस मॉक टेस्ट के सभी 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो पाए। आइए सीधा शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सो मोस्ट ऑफ द आर्बिट्राज फंड्स टेक कॉन्ट्रेरी पोजीशंस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर ट्रू है, यानी कि आर्बिट्राज फंड्स जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रेरी पोजीशंस लेते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑफशोर फंड इज ऑल्सो नोन एज फीडर फंड, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर ट्रू है, यानी कि अगर कोई ऑफशोर फंड यानी इंटरनेशनल फंड किसी और मास्टर फंड में अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करता है तो उसे हम फीडर फंड भी कह सकते हैं। सो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मोस्ट इन्वेस्टर सर्विसेज सेंटर आर ऑफिसेज ऑफ, द ऑप्शंस आर ट्रस्टी, RTA, कस्टोडियन या फिर फंड अकाउंटेंट। इसका राइट आंसर RTA है, यानी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ MP इज, द ऑप्शंस आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंप्लीमेंटिंग द सर्टिफिकेट प्रोग्राम, टू डेवलप द कैडर ऑफ एजेंट्स और ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि D ऑप्शन, क्योंकि सभी मेंशन ऑप्शंस MP के ऑब्जेक्टिव हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैन एंड KYC आर मैंडेटरी इन एनी म्यूचुअल फंड, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज ट्रू। सो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पैन और KYC का होना मैंडेटरी है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द SAI इज रेलिवेंट फॉर ऑल द स्कीम्स ऑफर्ड बाय द सेम म्यूचुअल फंड, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू। सो SAI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए एक सेम फंड हाउस की रेलेवेंट रहता है। SAI में आपको फंड की या AMC की स्टैट्यूटरी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेल कमीशन इज कैलकुलेटेड, द ऑप्शंस आर अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट होल्डर एट इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल नॉट गेट एनी कमीशन या फिर फिक्स्ड परसेंटेज अकॉर्डिंग टू SEBI रेगुलेशंस। द राइट आंसर इज ए, यानी कि अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ यूनिट होल्डर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एग्जिट लोड इज ओनली चार्ज्ड इन क्लोज एंडेड स्कीम्स, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। जैसा कि हम सभी समझते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। एग्जिट लोड ओपन एंडेड स्कीम्स के केस में एप्लीकेबल रहता है, क्लोज एंडेड स्कीम्स के केस में लॉन्च पर ही मेजोरिटी डेट फिक्स कर दी जाती है जब स्कीम का रिडम्पशन करके पैसा इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द इन्वेस्टर कैनॉट सेट ऑफ द कैपिटल लॉस इफ, द ऑप्शंस आर ही इज रिडीमिंग द इन्वेस्टमेंट विद इन 9 months, ही इज रिडीमिंग विद इन 9 months आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड, ही इज इन्वेस्टिंग विद इन 3 months प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड या फिर बोथ BNC। सो एज पर रूल्स इन्वेस्टर्स कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते B और C सिचुएशन के केस में। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रेमिटेंस कैन बी डन इन म्यूचुअल फंड थ्रू, द ऑप्शंस आर RTGS एंड NEFT, IFSCR, MICR या फिर NRA एंड NRO अकाउंट। इसका राइट आंसर है RTGS एंड NEFT। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट RTGS और NEFT मोड से की जा सकती है इन सभी मेंशन्ड ऑप्शंस में से। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नीट MFSS इज ओपन फ्रॉम, द ऑप्शंस आर 9 AM टू 3 PM, 24 hours, 10 AM टू 4 PM या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है 9 AM टू 3 PM। नीट MFSS यानी कि नीट म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम एक फैसिलिटी है जो कि NSE के एलिजिबल मेंबर्स को दी जाती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स के रिडम्पशन और सब्सक्रिप्शन के ऑर्डर प्लेस कर पाएं।
आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इफ देर आर एनी चेंजेस इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम द एएमसी मस्ट इशू. द ऑप्शंस आर अडेंडम, अडेंडम इन एनी टू न्यूज़पेपर, अडेंडम इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ एएमसीज हेड ऑफिस, या फिर नॉट इशू एनी नोटिस. द राइट आंसर इज अडेंडम इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ एएमसीज हेड ऑफिस. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इफ एन इंडियन म्यूचुअल फंड सीज पोटेंशियल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन चाइना, इट विल टाई अप विद अ चाइनीज फंड. इन इंडिया दिस विल बी नोन एज फीडर, वाइल इन चाइना इट विल बी कॉल्ड. द ऑप्शंस आर चाइना मेड पोर्टफोलियो, आर्बिट्राज फंड, होस्ट फंड, या फिर ऑफशोर फंड. द राइट आंसर इज होस्ट फंड. होस्ट फंड यानी कि मास्टर फंड. सो जो इंडिया में फीडर फंड होगा वो अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करेगा होस्ट या मास्टर फंड में, और वहीं से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बनेंगे. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज क्लोजली लिंक्ड टू. द ऑप्शंस आर स्कीम, ऑप्शन, प्लान, या फिर एसआईपी. द राइट आंसर इज स्कीम. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है म्यूचुअल फंड का वो उसकी स्कीम से रिलेटेड होता है. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. द यूजफुल डाउनलोड्स ऑफ ऑल सर्कुलर्स अप टू लास्ट ईयर विच आर अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी आर नोन एज. द ऑप्शंस आर सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर, अडेंडम, या फिर ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर बी है, यानी कि मास्टर सर्कुलर. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इफ द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेंड टू एमफी इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कंडक्ट बाय द डिस्ट्रीब्यूटर देन एमफी. द ऑप्शंस आर कैंसल्स द एयरन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, कैन एम्पैनल द डिस्ट्रीब्यूटर, कैन कैंसल द एयरन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्फॉर्म टू ऑल द एएमसीज एंड सस्पेंड द डिस्ट्रीब्यूटर. द राइट आंसर इज कैन कैंसल द एयरन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्फॉर्म टू ऑल एएमसीज. सो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच किया जाता है, यानी कि उल्लंघन किया जाता है, तो उस केस में एमपी के पास पूरा अधिकार रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर का एएरएन को कैंसिल करने का और साथ ही में एएमसीज को इन्फॉर्म करने का. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इज अप्रूव्ड बाय सेबी. द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स. जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर है ट्रू. ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का उसे सेबी द्वारा अप्रूव किया जाता है. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. एन इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर बिल्ड्स रीच थ्रू. द ऑप्शंस आर एम्प्लॉयज, एजेंट्स, सब ब्रोकर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज. सो जैसा कि हमने चैप्टर 6 यानी कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन सभी मेंशनड ऑप्शंस जो कि एम्प्लॉयज, एजेंट्स और सब ब्रोकर्स द्वारा अपनी रीच बिल्डअप कर सकते हैं. सो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन ऑडियो एंड वीडियो एडवर्टीजमेंट्स द डिस्क्लेमर क्लॉज मस्ट. द ऑप्शंस आर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फॉर 5 सेकंड, नीड टू कवर 50% ऑफ स्क्रीन, बोथ ए एंड बी, या फिर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. इसका राइट आंसर है डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फॉर 5 सेकंड्स. सो एज पर रूल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर जो डिस्क्लेमर बना हुआ है जो कि आप अक्सर टीवी में भी देखते होंगे उसे स्क्रीन पर 5 सेकंड के लिए मिनिमम दिखाना मैंडेटरी है. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन गिल्ड फंड फॉर ₹20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन द वैल्यू ऑफ द फंड वॉज ₹50,000. फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स एज्यूमिंग द इन्वेस्टर कम्स अंडर द 10% स्लैब. द ऑप्शंस आर ₹3,000, ₹6,000, nil, या फिर none of these. इसका राइट आंसर 3,000 है, यानी कि ए ऑप्शन. सो जैसा कि हम सब ने पढ़ा डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि 3 साल से पहले अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन करता है तो उस केस में एज पर द टैक्स स्लैब इन्वेस्टर की टैक्सेशन लगता है गेन्स पर. सो एज द कैपिटल गेन्स पोर्शन इज 30,000 एंड द टैक्स रेट इज 10%, सो इसका आंसर निकल कर आता है 3,000, जो कि आपका टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा इन गेन्स पर. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इन्वेस्टर नीड्स टू पे वेल टैक्स इफ ही इज इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ETF. द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स. इसका राइट आंसर फॉल्स है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है. आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स म्यूचुअल फंड्स अलॉट. द ऑप्शंस आर IPIN एंड यूजर नेम टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली, IPIN टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली, IPIN एंड यूजर नेम टू ऑल न्यू इन्वेस्टर्स, या नो नीड फॉर एनी फैसिलिटी फॉर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन. इसका राइट आंसर है IPIN एंड यूजर नेम टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली. सो जो म्यूचुअल फंड हाउस के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं
उन्हें आईपी नन यूजर नेम दिया जाता है ताकि वो अपनी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन वहां पर कर पाए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रिस्क इन द म्यूचुअल फंड्स? द ऑप्शंस आर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड, ग्रोथ फंड या फिर गिल्ड फंड। इन सभी ऑप्शंस में से मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें सबसे कम रिस्क रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी काफी कम होती है और साथ में क्रेडिट क्वालिटी भी अच्छी रहती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटिंग एंड रैंकिंग इज वन एंड द सेम थिंग, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। रेटिंग और रैंकिंग बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉन्ड्स रेटिंग इंडिकेट्स इट्स, द ऑप्शंस आर रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसका राइट आंसर है डिफॉल्ट रिस्क। सो किसी भी बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका डिफॉल्ट रिस्क कितना रहेगा। लो क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में डिफॉल्ट का रिस्क जनरली हाई रहता है, और वहीं हाई क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में डिफॉल्ट का रिस्क कम रहता है। सो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फंडामेंटल एनालिस्ट इज ऑल्सो नोन एज चार्टिस्ट, द ऑप्शन आर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल एनालिस्ट को हम चार्टिस्ट नहीं बोल सकते हैं। सो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Who amongst the following will help to find the perfect company to invest? The options are fundamental analysis, tactical fund manager, technical analysis. इसका right answer है B, यानी कि tactical fund manager. So एक tactical fund manager अपने analysis के हिसाब से एक perfect company identify करने में help कर सकता है। So आइए देखते हैं हमारा अगला question. Who cannot invest in mutual fund? The options are foreign companies, institutional investor, foreign individual या the trust where more than 60% of the beneficial interest is held by NRI या फिर both 3 and 4। इसका right answer है E, यानी कि both 3 and 4। So foreign individuals और वो trust जिनका 60% से ज़्यादा portion NRIs के पास है वो नहीं कर सकते Indian mutual fund schemes में invest। आइए देखते हैं हमारा अगला question। The highest rating given by CRISIL is, the options are triple A, A double B, triple A star, A double plus. The right option is triple A. So triple A highest rating है जो CRISIL द्वारा दी जाती है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Unit capital is, the options are number of units into face value, number of units outstanding into face value, number of units issued into current market price, NAV into face value. इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इनटू फेस वैल्यू। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डू नॉट गिव गारंटी फॉर रिटर्न और कैपिटल? द ऑप्शंस आर बैंक डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSE या फिर यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका राइट आंसर है यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम। सो जैसा कि हम में से बहुत लोग समझते हैं कि जो पहले तीन मेंशनड ऑप्शंस हैं वो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है, और वहीं अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो इनके रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऑल फंड्स हैव सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज एक्सेप्ट वन, द ऑप्शंस आर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस्ड फंड्स, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड्स या फिर सेक्टर फंड्स। द राइट आंसर इज सेक्टर फंड। सो सेक्टर फंड इन सभी मेंशनड ऑप्शंस में से ऐसी कैटेगरी है जो कि अपना पूरा पैसा इक्विटी में लगाती है, और वहीं अगर बाकी तीनों की बात करें तो उनका कुछ पोर्शन इक्विटी में लगता है और बाकी पोर्शन डेट में लगता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऑल आर दी कॉमोडिटीज एक्सेप्ट, द ऑप्शंस आर गोल्ड, क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल मैटर या फिर रियल एस्टेट। इसका राइट आंसर, जैसा कि हम सभी समझते हैं, रियल एस्टेट है। बाकी सभी मेंशनड ऑप्शंस एक तरीके की कॉमोडिटीज हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड इज अ डेट फंड, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि हम सभी समझते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हाइब्रिड कैटेगरी को बिलोंग करता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज, द ऑप्शंस आर ट्रस्ट, कंपनी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या फिर NBFC। सो इसका राइट आंसर है ट्रस्ट। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। FMP इज मोस्टली अ क्लोज एंडेड फंड, द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। FMP की अगर बात करें तो इसका मतलब है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, फिक्स्ड मेजॉरिटी प्लान्स जनरली क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं। सो इसका राइट आंसर है ट्रू। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
Units are repurchased in closed-ended fund at the options are higher than NAV, lower than NAV, whatever the price higher than NAV or lower than NAV at NAV price only. So इसका right answer जैसा कि हम सभी समझते हैं C है, यानी whatever the price higher than NAV or lower than NAV. क्योंकि अगर investor को NFO period के बाद में closed-ended scheme में invest करना है, तो वो market rate पर कर सकता है. क्योंकि क्लोज एंडेड फंड्स की यूनिट्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दी जाती हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अ ट्रस्टी कंपनी फंक्शंस थ्रू द ऑप्शंस आर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्ट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो इसका राइट आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड आरटीए इज द ऑप्शंस आर अपडेटेड एनएवी, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टर, issuing and repurchasing transactions of units, या फिर sending the annual account statement of mutual fund. इसका right answer है issuing and repurchasing transactions of units. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Trust deed or contract between trustee and the options are sponsor, AMC, SEBI या फिर investors. इसका right answer है sponsor. So trust deed एक contract होता है trustee और sponsors के बीच में. आइए देखते हैं हमारा अगला question. KYC application form are accepted at the options are point of service, point of acceptance, RTA या फिर NSDL. So इसका right answer है point of service यानी कि POS. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Appointment of distributor by fund is basis between distributor and the options are AMC, investor, SEBI या फिर MP. The right answer is AMC. आइए देखते हैं हमारा अगला question. दो AGNI यानी कि MFI guidelines and norms for intermediaries is mandatory. There is no penalties in case of breach of code. The options are true or false. इसका right answer है false. So breach of code के case में distributor या intermediaries को MFI को कुछ penalties भी pay करनी पड़ सकती हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला question. SEBI has stopped charging. The options are initial issue expenses, exit load, deferred load, या फिर मैनेजमेंट फीस इन लिक्विड फंड. सो द राइट आंसर इज इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस, यानी कि एक तरीके से एंट्री लोड. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. सेबी हैज बैन एंट्री लोड इन म्यूचुअल फंड फ्रॉम 1 अगस्त 2009. द ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स. द राइट आंसर इज ट्रू. ये स्टेटमेंट सही है. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. क्वालिटी ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड आउट ऑफ द ऑप्शंस आर YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी, क्रेडिट रेटिंग, यील्ड मैट्रिक्स या फिर यील्ड क्वालिटी. सो इसका राइट आंसर है क्रेडिट रेटिंग. बॉन्ड की क्वालिटी आप क्रेडिट रेटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. एनएबी ऑफ फंड्स आर राउंडेड ऑफ. द ऑप्शंस आर इन इक्विटी फंड्स अप टू 2 decimals, एक्सेप्ट देन इक्विटी अदर फंड्स आर राउंडेड ऑफ अप टू 4 decimals, इन लिक्विड फंड्स अप टू 4 decimals एंड अदर देन लिक्विड अप टू 4 decimals, इन डेट फंड अप टू 4 decimals. The right answer is in debt fund up to 4 decimals. यानी कि ये statement सही है. आइए देखते हैं हमारा अगला question. To convert the physical into demat, investor must approach to the options are depository, NSDL, depository participant या CDSL. इसका right answer है depository participant. आइए देखते हैं हमारा अगला question. An investor asks you in what order he should list the following schemes. Going from the scheme with the least risk to the one with the highest risk. Balanced fund, stock index, liquid fund, pharmaceutical sectoral fund. The options are 1234, 1342, 3124 या फिर 2312 या फिर 2314. इसका right answer है 3124. यानी कि सबसे पहले आता है आपका liquid fund, then आता है आपका balanced fund, then आता है आपका stock index fund, देन आता है आपका सेक्टोरल फार्मास्यूटिकल फंड. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. डेट फंड्स आर एक्सपोज टू द ऑप्शंस आर मार्केट स्पेसिफिक रिस्क्स, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क्स, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स या फिर क्रेडिट रिस्क. द राइट आंसर इज क्रेडिट रिस्क. यानी डेट फंड्स क्रेडिट रिस्क को एक्सपोज होते हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स. द ऑप्शंस आर फ्लक्चुएशंस ऑफ अ फंड रिजल्ट अराउंड अ मीन लेवल, sensitivity of a fund's return to changes in the market index, weighted average PE ratios of all stocks held in portfolio या फिर risk premium of the fund. इसका right answer है sensitivity of a fund's returns to change in market index.
आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाई रिस्क फंड्स. द ऑप्शंस आर अग्रेसिव ग्रोथ फंड्स, सेक्टर फंड्स, इनकम फंड्स या फिर स्पेशलाइज्ड फंड्स. द राइट आंसर इज इनकम फंड्स. इनकम फंड वो फंड्स होते हैं जो अपना पैसा डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज इज बेस्ट टू रिड्यूस कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. द ऑप्शंस आर होल्डिंग अ लार्जली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, होल्डिंग मोर नंबर ऑफ सेक्टर्स इन अ पोर्टफोलियो, बाय हेजिंग विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, नन ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर है होल्डिंग अ लार्जली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. यानी कि एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कम किया जा सकता है. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स वुड यू कंसीडर एवरेज मैच्योरिटी एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्टिंग द राइट वन फॉर द इन्वेस्टर. द ऑप्शंस आर डेट फंड, बैलेंस्ड फंड, इक्विटी फंड या फिर बोथ वन एंड टू. द राइट आंसर इज डेट फंड. डेट फंड्स के केस में अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की एवरेज मैच्योरिटी को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू. द ऑप्शंस आर Selecting a money market fund is easier than selecting a bond or equity fund. Selecting a bond fund is easier than selecting a money market fund. Selecting an equity fund is easier than selecting a money market fund. या फिर none of the above. इसका right answer जैसा कि हम में से बहुत लोग समझते होंगे already none of the above है. यानी इनमें से कोई भी statement सही नहीं है. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Why should a fund distributor become a financial planner? The options are because of strong potential for such services, because of limited supply of financial planner, because of the kind of the money this business offers, only one and two या फिर only one and three. इसका right answer D है, यानी only one and two. पहली और दूसरी statement सही है. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Which of the following are true? The options are, it's the duty of the client to set measurable financial goals. It's the financial planner's duty to set measurable financial goals to the clients. Both the clients and financial planner should together set measurable financial goals. या फिर none of the above. इसका right answer C है, यानी कि client और financial planner को एक साथ work करना होगा measurable financial goals निकालने के लिए. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Risk tolerance is, the options are, is the abnormal loss which the investor is ready to incur? Is the extent of loss the client can tolerate psychologically and financially? Is the normal loss of an investment category? None of the above. इसका right answer B है, यानी is the extent of loss the client can tolerate psychologically and financially. आइए देखते हैं हमारा अगला question. Portfolio rebalancing is, the options are, one-time process has to be done once in a fortnight, an indefinite continuous process has to be done once in a year. इसका right answer जैसा कि हम सभी समझते हैं an indefinite continuous process है, यानी कि एक continuous process है. आइए देखते हैं हमारा अगला question. The strategy advisable for an investor to maximize investment return in the long run is, the options are buy and hold on to investment for a long time, liquidate poorly performing investments from time to time, liquidate good performing investments from time to time, या फिर स्विच फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस टू गुड परफॉर्मेंस. द राइट आंसर इज डी, यानी कि स्विच फ्रॉम पुअर परफॉर्मेंस टू गुड परफॉर्मेंस. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग टॉक्स अबाउट. द ऑप्शंस आर इन्वेस्टमेंट्स फॉर द सेम अमाउंट एट द रेगुलर इंटरवल्स, व्हेन टू बाय सेल और स्विच फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, या फिर डिसगार्डिंग द नॉन परफॉर्मर्स एंड कीपिंग द गुड परफॉर्मर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका जवाब हम सभी जानते होंगे ए है, यानी कि टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इफ यू मेंटेन अ फ्लेक्सिबल रेशियो ऑफ एसेट एलोकेशन वुड यू. द ऑप्शंस आर रीबैलेंस द डेट इक्विटी एलोकेशन पीरियडिकली, रीबैलेंस द डेट इक्विटी एलोकेशन वेरी पीरियडिकली, या फिर जनरली अवॉइडिंग द पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, या फिर कीप फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल टाइम्स. इसका राइट आंसर है सी, यानी कि जनरली अवॉइड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग. सो फ्लेक्सिबल रेशियो ऑफ एसेट एलोकेशन के केस में आप अवॉइड करते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना. आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन ओवर इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स इफ. द ऑप्शंस आर द इन्वेस्टर्स वांट्स बेटर रिटर्न देन व्हाट ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, द इन्वेस्टर हैज लार्ज कैपिटल, नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर रिसर्च, the investor has identified a bullish phase in the stock market
या फिर द इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म? इसका राइट आंसर बी है, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स बेटर ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड से, अगर इन्वेस्टर के पास लार्ज कैपिटल, नॉलेज और रिसोर्सेज हैं रिसर्च के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एन इन्वेस्टर इन नीड ऑफ रेगुलर इनकम शुड नॉट सेलेक्ट, द ऑप्शंस आर बैंक डिपॉजिट्स, डेट फंड, इक्विटी ग्रोथ फंड या फिर पीपीएफ। इसका राइट आंसर जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे पीपीएफ है, क्योंकि पीपीएफ में लॉक इन पीरियड रहता है, तो इसीलिए एडवाइजेबल नहीं है रेगुलर इनकम नीड्स के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द विदाउट प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोमिसेस टू पे, द ऑप्शंस आर द सम अश्योर्ड एंड द बोनस डिक्लेयर्ड बाय एलआईसी फ्रॉम ईयर टू ईयर, सर्टेन सम ऑफ मनी टू द सर्वाइवर ऑफ द पॉलिसी टेकन इन द इवेंट ऑफ डेथ विद इन द टर्म ऑफ द पॉलिसी, या नन ऑफ द अबव, या फिर बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर बी है, यानी कि एक स्पेसिफाइड सम पे किया जाता है नॉमिनी या सर्वाइवर को अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट म्यूचुअल फंड्स? द ऑप्शंस आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियोज कैन इंबैलेंस एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इंक्रीजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, म्यूचुअल फंड्स ऑफर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर सी है, यानी सी स्टेटमेंट गलत है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होने के कारण इन्वेस्टर्स इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट उठा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टर्स डू नॉट ऑलवेज लुक फॉर रिटर्न्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन, द ऑप्शंस आर म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसका सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर रियल एस्टेट होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीसेक पेपर्स आर नॉर्मली इशूड ऑन अ, द ऑप्शंस आर शॉर्ट टर्म बेसिस, मीडियम टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म बेसिस या फिर वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। जैसा कि हमने चैप्टर्स के मॉक टेस्ट में भी पढ़ा था, जीसेक पेपर्स लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर बनता है सी, यानी कि जीसेक पेपर्स आर इशूड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज इशूड बाई द कॉर्पोरेट्स? द ऑप्शंस आर फिक्स डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जैसा कि हम सभी जानते होंगे ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स कॉर्पोरेट्स द्वारा इशू किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरवल फंड्स आर, द ऑप्शंस आर लार्जली ओपन एंडेड बट कन्वर्टेड इनटू क्लोज एंडेड एट प्री स्पेसिफाइड इंटरवल्स, लार्जली क्लोज एंडेड बट कन्वर्टेड इनटू ओपन एंडेड एट प्री स्पेसिफाइड इंटरवल्स, ऑलवेज ओपन एंडेड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर बी है, यानी इंटरवल फंड्स ज्यादातर क्लोज एंडेड रहते हैं बट कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए इन्हें ओपन एंडेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनएवी आफ्टर डिविडेंड पेमेंट इज कॉल्ड, द ऑप्शंस आर रीइन्वेस्टमेंट, कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जैसा कि हम सभी समझते हैं एक्स डिविडेंड है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन नॉट प्लेस देयर एसेट्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, इसका राइट आंसर फॉल्स है, यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करके उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर गिव्स ऑल्टरनेट प्लान्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स माइट गेट कन्फ्यूज्ड, ट्रू और फॉल्स। इसका राइट आंसर फॉल्स है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिडम्पशन इज, द ऑप्शंस आर एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड या फिर एनएवी माइनस एंट्री लोड। इसका राइट आंसर एनएवी माइनस एग्जिट लोड है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवाईसी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ माइनर्स, द ऑप्शंस आर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, केवाईसी ऑफ माइनर इज मैंडेटरी, केवाईसी ऑफ गार्जियन इज रिक्वायर्ड इन केस इफ इन्वेस्टमेंट इज इन माइनर्स नेम या फिर केवाईसी इज नॉट मैंडेटरी इन म्यूचुअल फंड्स। ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछले क्वेश्चन बैंक्स में पढ़ा है, तो जैसा कि हम सभी समझते हैं माइनर के केस में गार्जियन की केवाईसी होना मैंडेटरी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु एनेबल्स द कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, द ऑप्शंस आर रजिस्ट्रार, सेबी, एमफी या फिर आरबीआई। द राइट आंसर इज रजिस्ट्रार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विनिंग लॉटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द ऑप्शंस आर सडन वेल्थ, ट्रांजिशन स्टेज, वेल्थ साइकिल, लाइफ साइकिल। इसका राइट आंसर जैसा कि पढ़ते ही समझ में आ रहा है सडन वेल्थ है, क्योंकि लॉटरी से जीता हुआ पैसा एक तरीके का सडन वेल्थ ही है।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इन इंडिया द फर्स्ट म्यूचुअल फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, द ऑप्शंस आर 1963, 1964, 1987 या फिर 1993. द राइट आंसर इज 1964. में यूटीआई ने अपनी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम यूटीआई स्कीम 64 को लॉन्च किया था, जो कि इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. डिस्ट्रीब्यूटर वाइल गेटिंग अ पैनल ऑल्सो फिल सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट, द ऑप्शंस आर दे शुड रिसीव कमीशन ऑन टाइम, ऑल एम्प्लॉइज हु आर एंगेज्ड इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन शैल ऑब्टेन IRN, शैल अबाइड विद सेबी कोड ऑफ एथिक्स या फिर नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर सी है, यानी कि शैल अबाइड विद सेबी कोड ऑफ एथिक्स. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. म्यूचुअल फंड शैल बी रिकमेंडेड एज, द ऑप्शंस आर अ गेट रिच क्विक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, गारंटीड रिटर्न्स या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट. इसका राइट आंसर, जैसा कि आप में से मोस्ट लोग जानते होंगे, बी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स. आइए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. ब्लैक स्वान इज रेफर्ड टू एज, द ऑप्शंस आर अ काइंड ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, व्हेन द मार्केट कैन बिहेव इन अ मैनर नॉट सीन इन द पास्ट, ब्लैक मार्केटिंग, ऑपोजिट ऑफ व्हाइट स्वान. इसका राइट आंसर बी है, यानी कि ब्लैक स्वान का मतलब हो सकता है कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही है जैसा पास्ट में नहीं देखा गया आज तक. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. इन्वेस्टमेंट्स इन एन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, द ऑप्शंस आर एंटाइटल्स द इन्वेस्टर्स टू क्लेम इनकम टैक्स रिबेट, रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट टू बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ऑटोमेटिकली लीड्स टू इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स या फिर ऑल ऑफ दीज. इसका राइट आंसर, जैसा कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी समझते हैं, ऑल ऑफ दीज है, यानी कि ये सभी मेंशन 3 statements बिल्कुल सही हैं. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द ऑप्शंस आर ग्रोथ एंड रिस्क आर एसोसिएटेड विद इक्विटी फंड्स, स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डेट फंड्स, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव. ये क्वेश्चन भी हमने चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक की सीरीज में ऑलरेडी देखा है. इसका राइट आंसर सी है, यानी बोथ 1 and 2, यानी ग्रोथ और रिस्क इक्विटी के साथ एसोसिएटेड होता है, और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो उसे आप डेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन्वेस्टर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एक्सेप्ट, द ऑप्शंस आर कंप्लायंस रिपोर्ट, कस्टोडियल एग्रीमेंट, ट्रस्ट डीड या फिर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड मैनेजर. इसका राइट आंसर डी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड मैनेजर. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. लाइक मोस्ट ऑफ यू वुड नो, इसका राइट आंसर ए है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, द ऑप्शंस आर कस्टमाइज पोर्टफोलियो, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसका राइट आंसर सी है, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके कारण वो आसानी से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ट्रस्ट इन इंडिया, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ट्रस्ट. द ऑप्शंस आर द एम्प्लॉइज ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनिट होल्डर्स या फिर ट्रस्टीज ऑफ द म्यूचुअल फंड. इसका सही आंसर है सी, यानी यूनिट होल्डर्स. म्यूचुअल फंड्स के केस में बेनिफिशियरी इन्वेस्टर्स को ही माना जाता है जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं. आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड इट कैनॉट बी रिटेन्ड इन हाउस, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. इसका राइट आंसर है बी, यानी कि फॉल्स. RTA का इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, AMC इन हाउस भी उन एक्टिविटीज को कर सकती है जिनके लिए वे एक RTA को अपॉइंट करते हैं. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ ELSS फंड्स. द ऑप्शंस आर 65%, 70%, 80% या फिर 100%. द राइट आंसर एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो इज 80%, दैट इज सी. सो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिमम 80% ELSS फंड्स को इक्विटी और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन्वेस्टर्स हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू डैश नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज. द ऑप्शंस आर 0, 1, 2 या फिर 3.
डी इज द राइट आंसर। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज वाली राइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स 3 नॉमिनीज का नाम दे सकते हैं अपने फोलियोस के लिए, जो कि इन केस अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ और भी तरह से म्यूचुअल फंड को सेल किया जा सकता है, जैसे कि बैंक ब्रांचेस, नेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनकी ब्रांचेस द्वारा, या फिर उनके सब एजेंट्स द्वारा, या फिर पोस्ट ऑफिसेज या एएमसी द्वारा डायरेक्टली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न रेवेन्यू? द ऑप्शंस आर कमीशंस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स, फीस कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम एमफी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। सो इसका राइट आंसर, जैसा कि आप में से सब लोग समझते होंगे, ए है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू कमीशन इनकम के रूप में होता है, जो कि उन्हें म्यूचुअल फंड से मिलता है स्कीम को सेल करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स लेड आउट बाय सेबी, इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी इन। द ऑप्शंस आर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर पीरियोडिकली, फंड फैक्टशीट, या द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। द राइट आंसर इज ए, इसका आंसर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ इंडेक्स फंड्स? 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स, 1.5% ऑफ द डेली नेट एसेट्स, इट डिपेंड्स एज द टेल चेंजेस इन लाइन विद द साइज ऑफ द स्कीम, एनी अमाउंट दैट द एएमसी मे डीम एप्रोप्रिएट। इसका राइट आंसर ए है, यानी कि 1%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिडम्पशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स वुड अट्रैक्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर? द ऑप्शंस आर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, लिक्विड फंड, या फिर ओवरनाइट फंड। इसका राइट आंसर ए है, यानी कि मल्टी कैप फंड, क्योंकि मल्टी कैप फंड के एसेट्स को इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन पर एसटीडी एप्लीकेबल होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इज, द ऑप्शंस आर 10% विद इंडेक्सेशन, 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, या फिर 20% विदाउट इंडेक्सेशन। इसका राइट आंसर, जैसा कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी समझते होंगे, सी है, यानी कि 20% विद इंडेक्सेशन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। KIM does not include which of the following? The options are risk profile of the scheme, benchmark, rights of unit holders, या फिर lots and expenses। इसका right answer है C, यानी rights of unit holders। Rights of unit holders statement of additional information में present रहती है। आइए देखते हैं हमारा अगला question। A systematic withdrawal plan is ideal for, the options are investors with growth as the main objective, investors who wish to benefit from market fluctuations, investors who prefer a regular income stream, investors who are not sure about themselves। तो इसका right answer, जैसा कि आप में से बहुत लोग already समझते होंगे, C है, यानी कि investors who prefer regular income stream। क्योंकि systematic withdrawal plan के जरिए आप regularly कुछ amount withdraw कर सकते हैं अपनी mutual fund units से। आइए देखते हैं अगला question। Government securities can be considered to be completely risk-free, state whether the statement is true or false। इसका right answer A है, यानी कि true। Government securities को risk free कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी government के अपनी payment obligations पर default कर जाने के chances काफी कम रहते हैं। आइए देखते हैं अगला question। Unsystematic risk can be reduced through diversification, state whether the statement is true or false। इसका right answer true है, जैसा कि हमने पहले भी समझा, अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि रिस्क जो कि कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है, उसे हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो थे NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस। अगर आप इसे एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद में आप रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट में मेंशन आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7217746224 पर। अगर आपने हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स वाली वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं, तो आप ऊपर दिए गए आई आइकन पर जाकर देख सकते हैं।
अगर आप भी जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर, या फिर आप हमारी जेड फंड्स एडवाइजर ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला।